सबसे पहले एंटोनिम्स चेक करते हैं, ओके, इजी इजी चेक करेंगे, देखते हैं कि आपको कितना याद है, ओके। पहले आप लिखेंगे विक टू, फार, लॉन्ग, डीप, डेंस, डियर, राइट राइट इन दोनों को यस बाबू अगर नहीं है
ओके राइट एट फर्स्ट. डू यू हैव एनी बुक ऑफ लिटरेचर? डू यू हैव एनी बुक ऑफ लिटरेचर? गिव इट टू मी. जी बुआ, रिमेंबर रिब्यूक. Okay, write at first. Have you written? Yes, sir. All. You are faster than I. He has already completed. If you can write, you can. If you don't, if you are not able to write, I will write. And I will also make you understand. Okay, what is the meaning of weak? Weak hota hai kamzor. Weak kya hota hai babu? Kamzor. ये एक एडजेक्टिव है. क्या बाबू? एडजेक्टिव. जब भी आपको एंटो लिखना हो, वेन एवर यू हैव टू राइट एंटो और साइनो, यू हैव टू राइट इट इन द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच. अगर आपको एंटो लिखनी हो या साइनो लिखनी है तो आप सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखेंगे. क्लियर है? वीक का क्या होगा बाबा? स्ट्रांग. वीक का क्या होगा? स्ट्रांग. अगर यही वीक के जगह पे आपको दे दे वीकेंड, क्या दे दे बाबू? वीक के जगह पे क्या दे दे? वीकेंड. अब ये हो गई वर्ब. क्या हो गई बुआ? वर्ब. तो वर्ब इसका वर्ब बनाएंगे तो इसका वर्ब बनता है स्ट्रेंथ. पहले स्ट्रेंथ लिखेंगे. क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? स्ट्रेंथ. उसमें क्या ऐड कर देंगे? ईएल. तो बन जाएगा स्ट्रेंथ एन. क्या बन जाएगा? अगर इसका हम नाउन बनाते हैं, क्या बनाते हैं बुआ? नाउन. क्या बनाते हैं? वीकनेस. अब ये हो गया नाउन. नाउन में हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कौन से नाउन? तो ये हो जाती है स्ट्रेंथ. क्या हो जाती है? स्ट्रेंथ. तो एक वर्ड से हम लोग तीन वर्ड सीख लिए. क्लियर है? लॉन्ग एडजेक्टिव है, इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग. वीक का स्ट्रॉन्ग. इसका अगर हम वर्ब बनाएंगे तो बनेगा वीकेंड. तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ इन. क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ इन. और ये हो जाएगा वीकनेस. तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ. क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे था हुआ दूसरा नंबर फार. क्या था? फार था ना दूसरा नंबर? अरेज कर रहे हैं आप, बता दीजिएगा सीरियल नंबर. फार. तो फार का मतलब होता है दूर. फार का मतलब क्या होता है? दूर. तो फार का क्या हो जाएगा आपका? नियर. अब ये क्या है? एडजेक्टिव है. क्या है हुआ? एडजेक्टिव है. और ये भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है. ओके. तो इससे आपका कोई फार से जो है, फार जो है एडजेक्टिव है, इससे आप नाउन नहीं बना सकते हैं, वर्ब भी नहीं बना सकते. तो ये ऐसे ही रहेगा. थर्ड वर्ड क्या है बाबू? लॉन्ग. लॉन्ग कब हुआ? बन जाएगा आपका शॉर्ट. क्या बन जाएगा? शॉर्ट. ये दोनों एडजेक्टिव है. दोनों क्या हुआ? एडजेक्टिव. लॉन्ग से अगर इसका वर्ब बनाना चाहे, क्या बनाना चाहे? सबसे पहले इसका नाउन बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? नाउन. किसमें? अच्छा 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 नहीं तो उसको साइड में लिखिए, दूसरे वाले पेज पे. नहीं, दूसरे वाले पेज पर लिखते चलिए. याद कैसे कर लेंगे उसको? नेक्स्ट वाले पेज पर लिखते चलेंगे. ओके. हाँ, जो जो नया नया वर्ड आ रहा है उसको अगले वाले पेज में लिखते चलेंगे. ओके. लॉन्ग है बाबू, लॉन्ग एडजेक्टिव है. इसका एडजेक्टिव हो जाएगा शॉर्ट. इसका नाउन हो जाएगा लेंथ. इसका हो जाएगा बुआ शॉर्टेज. क्या हो जाएगा बुआ? शॉर्ट का क्या हो जाएगा बुआ?
शॉर्ट का है शॉर्टनेस नहीं लिखिएगा, शॉर्ट का क्या होता है शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, शॉर्टेज का मतलब अब हुआ इसका नाउन बनेगा लेन देन, क्या बनेगा लेंथ लिख लीजिएगा क्या इसका भाव बनेगा लेंथन, लेंथन का मतलब होता है लंबाई बढ़ाना, लेंथन का मतलब इसका हो जाएगा शॉर्ट एंड, क्या हो जाएगा घटाना, लेन देन शॉर्ट एंड, लेन देन शॉर्ट एंड, लेन देन शॉर्ट एंड, क्लियर हो गया हुआ शॉर्ट एंड, शॉर्ट एंड शॉर्ट एंड टी ई एन शॉर्ट एंड शॉर्ट टेन, समझ में आ गई। अच्छा लेंथ के बाद क्या था हुआ डीप, अच्छा 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 डीप का क्या होता है वर्ब नहीं होता है क्या, वो तो नाउन होता है बता देते हैं, चलिए हुआ डीप का एडजेक्टिव क्या है, डीप जो है एक एडजेक्टिव है, डीप क्या है तो डीप का होता है शैलो, डीप का क्या होता है हुआ शैलो, डीप का क्या होता है शैलो, इसका नाउन बनाएंगे तो बनती है डेप्थ, क्या बनती है हुआ तो शैलो का शैलोनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हुआ शैलोनेस, समझ में आ गई। कोई नदी बहुत गहरा हो तो उसको बोलते हैं डिप, अगर नहीं हो तो उसको बोलते हैं सैलो, क्या बोलते हैं उसको। उसके बाद क्या था हुआ डेंस, डेप्थ के बाद डेंस, देखिए हुआ डेंस जो है डेंस एडजेक्टिव है, डेंस क्या है इसका होता है स्पार्स, क्या होता है हुआ जैसे कि अगर अगर बहुत ज़्यादा पानी हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या डीप, गहरा पानी हो तो उसको हम बोलते हैं डीप, उसका हो गया सैलो। अगर घना जंगल हो, जंगल क्या हो घना हो, बहुत सारे उसमें वृक्ष होते हैं तो उसको बोलते हैं डेंस, जहाँ हाँ जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं डेंस पॉपुलेशन बोलते हैं ना, और जहाँ कम होता है उसको बोलते हैं स्पार्स, क्या बोलते हैं उसको स्पार्स। तो डेंस से ही एक वर्ड बनती है, आपको पता होना चाहिए डेंसिटी, डेंस से क्या बन जाएगा आपका डेंसिटी, डेंस से क्या डेस्टिनी नहीं वो अलग हो गया, डेंस से क्या बन जाएगा आपका डेंसिटी, डेंस से क्या बनेगा डेंसिटी, डेंस डेंसिटी और स्पार्स का नहीं पता, ठीक है मेरे को लगता है स्पार्स का स्पार्स ही रहेगा, क्या रहेगा स्पार्स दोनों डेंसिटी नाउन हो गई, स्पार्स का नाउन भी स्पार्स ही रह जाएगा। ओके नेक्स्ट बताइए हुआ व्हाट डियर, देखिए डियर जो होती है हुआ डियर का मतलब दो चीज़ें होता है, एक डियर का मतलब क्या होता है दो चीज़ें, एक तो होता है बुआ डियर मीन्स होता है, एक होता है लविंग, क्या होता है बुआ लविंग, हम हालांकि हमको इसका एंटोनिम लिखना है तो डियर का होता है डियर का मतलब महंगा, तो चीप मीन्स क्या हो गया सस्ता या घटिया, चीप मीन्स सस्ता या घटिया, चीप मीन्स सस्ता या घटिया, ये एडजेक्टिव हो गया। चलिए आगे बढ़िए टफ लव, लव का तो आपको पता ही होगा हेट, लव का हो गया आपका हेट, यह वर्ब है और नाउन, यह है बुआ वर्ब, क्या है बुआ अगर यही इसका नाउन बना दे लव का तो लव का नाउन भी क्या रहेगा लव ही रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हैट्रेड, क्या हो जाएगा बुआ हैट्रेड, हेट का नाउन क्या बनेगा हैट्रेड, हेट का नाउन क्या बनेगा ऐसे बोल दीजिएगा हटरे, बात करते हैं हैट्रेड, ठीक है हाँ लव का क्या हो जाएगा हैट्रेड, लव का क्या हो जाएगा हैट्रेड, ये देखिए ये इसका वर्ब है और ये इसका नाउन है और इसका एडजेक्टिव इसका हो जाता है लवली, इसका नहीं होता है, ठीक है तो फिर आईएनजी लगा के बनाना पड़ता है, स्पेशल नहीं है आईएनजी लगा के बनाया जा सकता है। और बताइए नेक्स्ट वर्ड अराइव, ये तो पता ही है आपका डिपार्चर, अराइव का क्या होता है डिपार्चर, तो अराइव से क्या अराइव का डिपार्चर नहीं डिपार्ट, क्या लिखेंगे बुआ डिपार्ट, और अराइवल अगर हो जाएगी क्या हो जाएगी बुआ अराइवल, तो ये क्या हो जाएगी डिपार्चर, अराइवल का क्या हो जाएगा हाँ ये नाउन है, ये बुआ क्या है नाउन है, ऊपर वाला क्या है वर्ब। चलिए और बताया जाए, पहले इसको लिखिए इसको इरेज करते हैं, देखिए इसमें एक दो बच्चे का ही परफॉर्मेंस ठीक है, सौम्या का ठीक है, क्या नाम है आपका आयुष का ठीक है, इवन कि इसका भी खराबी है बेचारे का, क्योंकि पढ़ाते हैं तो इस ध्यान वन अच्छा से देता नहीं है लड़का, इसको इसका हुलबुला माइंड है करते रहता है जैसे मतलब एकदम लगता है कि जैसे सपना में है भागम भाग किए रहता है हमेशा,
एक बच्चा नहीं आया, एक बच्चा नहीं आया है। यस शादी करने गया, तो इतने छोटे छोटे बच्चे शादी कर रहे हैं। yes, हम लोग अभी कुंवारे घूम रहे हैं। ओके हैव यू रिटन बाबू, जो एक्स्ट्रा लिखे उसको जरूर लिखिएगा। ओके एक्स्ट्रा नहीं छोड़ेंगे। इस बार आपको एंटोनी में परेशानी आ गई है तो हम सोचेंगे इस बार लिखा ही देते हैं। कुछ आपको फ्रेजल भाव भी लिखा देंगे, कुछ आपको एडियम्स भी लिखा देंगे, और नहीं तो आपको हम प्रिंट करा कर सर से दिलवा देंगे, वो आप याद कर लीजिएगा। ओके बाबू नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम, फ्रीडम हुआ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हो जाता है स्लेवरी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्लेवरी क्या हुआ? अच्छे से लिख देता हूँ आपको, स्लेवरी ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? क्या फ्रीडम का साइनोनिम हो जाएगा आपका फ्रीडम? इंडिपेंडेंस क्या होता है बुआ? इंडिपेंडेंस। और एक और होता है मैं भूल रहा हूँ, सेलवेशन क्या बोलता है बुआ? सेलवेशन क्या होता है बुआ? सेलवेशन। ओके आप लिख सकते हैं, दोनों को इरेज करना है, लिख लीजिए जल्दी से, इसको पहले लिखिए, इरेज करना है। हाँ इसको सीनो में लिखिए, इसको सीनो में लिखिए, इसको सीनो में लिख लीजिए उस वाले कॉलम में। फ्रीडम का होता है इंडिपेंडेंस और सेल्वेशन। ओके नहीं आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आ गई तो जब बताना तो मेरा काम है ना। करेक्ट करें, लिख लिए थे ना सब लोग। अच्छा बाबू फ्री का क्या हो जाएगा? स्लेव। फ्री का क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। फ्री का क्या हो जाएगा बुआ? हाँ उसमें से डम हटा दीजिए और इसमें से आर वाई हटा दीजिए, बन जाएगा। ठीक चलिए और बताइए नेक्स्ट। ब्लैक तो जानिए रहे। अच्छा कोई मेरे को ब्लैक का वाइट बना के बता देगा? भर बना ब्लैक को वाइट करके बता, मतलब इसका भर बना के बता दीजिएगा। हाँ वाइट वाइट ब्लैक एंड क्या होता है? और ये क्या होता है? वाइट टेन। सही बोले हो बुआ। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जान लीजिए, जितने भी कलर हैं सब में NES लगा करके उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। लिख रहे हैं कि खाली ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ ब्लैक एंड क्या है? भर में मार कर किसी को, जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि सर ना हमको मार करके रेडन कर दिया। रेडन मतलब जानते हैं ना, सुझा देना मार मार के, तो रेड से रेडन हो गए, RADN, रेडन सुझा देना किसी को मार मार के। ओके नेक्स्ट कम का तो पता ही है, कम का क्या होता है? अच्छा बुआ कम में अगर हम इन लगा दे तो इनकम, तो ये होता है इनकम का आउटगो। क्या होता है बुआ? इनकम का क्या होता है? देखिए बुआ ये भी भर भाई, ये भी भर भाई, ये भी भर भाई, ये भी भर भाई, ठीक है। हालांकि ये नाउन के रूप में भी यूज होता है। इनकम का मतलब आना, आउटगो का मतलब जाना। इनकम का मतलब आना मतलब जितना कमाए, आउटगो का मतलब खर्च किए वो। ओके नेक्स्ट दिखाइए तो क्या तो लिख लेना चाहिए था ना, वो तो अरेंज कर दिए, फिर किसे कैसे लिखोगे? तो बुद्धू लड़का है ये, इसको अभी बता दिए कि लिखो अगले पेज में करके, ध्यान नहीं आया। आप लिखिए ना सर, चेक कर लूँ। ठीक है लाइए कॉपी लाइए, पता तो चले आखिर कि वर्ड के प्रति आप कितने कंसर्स हैं। मेरे को तो दिखिए नहीं रही है, नॉट सेटिस्फाइड।
बिल्कुल पूरा लिखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। वर्ड के लिए जो है जितना मेहनत करेंगे आप उतना आपको फायदा होगा। नहीं तो बच्चा अब देखा है कि लिख करके क्या करेंगे। बहुत अच्छा। जितना आप वर्ड ऐड कर, जैसे कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक, तो पैराग्राफ में मेरे को लगता है कि दो ही बच्चे को 5 out of 5 मिला है, दो ही बच्चे को 5 out of 5, या एक को 5 मिला होगा, एक को 4.5 मिला होगा, नहीं तो सब में नीचे रेड पेन लगा हुआ है, सब में रेड पेन लगा हुआ। अच्छा सा सेंटेंस है, नहीं फ्रेम है, सेंटेंस ही फ्रेम नहीं। चलिए नेक्स्ट बताइए। सर दिखा देंगे, सर बोले हैं हम चेक कर लेंगे जाने के समय। अब आप बोलिए तो हाँ बीजी, देखिए हुआ बीजी का, यहाँ ध्यान दीजिए, बीजी बीजी का क्या होता हुआ, आइडल, क्या होता हुआ, या इसको हम बोल सकते हैं डल, या इसको हम बोल सकते हैं लेजी, क्या बोल सकते हैं, लेजी। अच्छा बीजी से एक वर्ड बना देता हूँ, बिजनेस, क्या हो जाता हुआ, बिजनेस तो जानते ही हैं ना, तो आइडल से बन जाएगा आइडलनेस, क्या बन जाएगा हुआ, डल से डलनेस, और लेजी लेजी से लेजी, ये सब के सब नीचे वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हो गया, ये सब के सब क्या कहलाएगा हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये हो गई एडजेक्टिव, क्या हो गई सारे एडजेक्टिव। मन करे तो लिख लीजिएगा, अगला पेज खाली है अभी, ठीक, आगे का मर्जी तो आप ही का है। बोलिए तो आगे नेक्स्ट वर्ड क्या है, माइजर, देखो वह माइजर नहीं लिखे है, क्या लिखना है, माइजरली, हाँ कंजूस। तो माइजरली का क्या होता है, एक होता है इको नोमी कल, क्या होता है वह, देखिए वह इकोनॉमिक नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक का मतलब हो गया रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो बहुत कम खर्चा करता है, माइजरली जो बहुत क्या करता है, कम खर्चा करता है, समझ में आ गई। तो आपका हो गया माइजरली का इकोनॉमिकल, माइजर नहीं लिखिएगा बउआ। अच्छा 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 स्पेंड थ्रिफ्ट लिख लीजिए इसका, फिर स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या हो गया बुआ, हाँ स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या इसको लिख लीजिएगा लाइविस, क्या लिख लीजिएगा बुआ, लाइविस, हाँ स्पेंड थ्रिफ्ट एक साथ, और उसके बाद लाइविस, क्या लिख लीजिएगा, लाइविस, बहुत ज़्यादा खर्चीला, बहुत ज़्यादा माइजरली एडजेक्टिव, माइजर हो गया नाउन आपका, माइजर क्या हो गया आपका, माइजर हो गया आपका नाउन, ओके माइजर क्या हो गया आपका नाउन, इसलिए नाउन का इसमें मिलता नहीं है, नाउन का आपको इसका सिनोनिम नहीं मिलता है, एंटोनिम नहीं मिलता है, इसलिए हम आपको लिखाए नहीं, नहीं। माइजर MISER माइजर, माइजर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल आएगी, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगी, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए दोनों को अलग करके लिखता हूँ। बोलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, डल, डल तो देख सकते हैं किसका है, बीजी का लिख सकते हैं डल, देखिए डल का बहुत सारा मीनिंग होता है, डल का जो बीजी होगा, अच्छा अच्छा एक मिनट, हाँ अब देखिए डल है, डल का और बताता हूँ, देखिएगा जैसे आप पढ़े होइएगा साइंस में, जितने भी मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, और नॉन मेटल डल होते हैं, क्या होते हैं, डल, जिसमें चमक नहीं होती है, तो डल का क्या हो गया हुआ, लस्ट्रस, क्या हो गया, हाँ अच्छा एक है ना, कभी कभी हम लोग किसी लस्ट्रस, जहाँ है तुम पढ़ लो बस इतना जान लो, एक तो हो गया डल का लस्ट्रस, कभी कभी हम किसी बच्चे को कह देते हैं कि बड़ा डल है, तो डल का मतलब क्या, बेवकूफ़ है वो, क्या हुआ, मतलब उसको हम लोग बेवकूफ़ ना कह के डल कहते हैं कि उसको बुरा ना लगे। जैसे कि एक कहानी आपको सुना देता हूँ, गांव घर में एक पत्नी जो होती है अपने पति को सीधे बेवकूफ़ नहीं कह पाती है, तो क्या कहते हैं, मेरे वाले बड़े सीधे हैं, मतलब समझ में आ रहा है, इनको इस सबसे कोई माने मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे ये कहना चाहती है कि बहुत बड़े बेवकूफ़ है, डफर है, डफर हैं। चलिए आगे, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड बताइए, ए भी यहाँ पे ना,
तो हैवी का क्या हो जाएगा बोला लाइट, एल आई जी एच टी, हैवी का क्या हो गया लाइट, लाइट मीन्स हल्का, ओके। ब्राइट का देखिए बुआ, ब्राइट का भी क्या होगा डल, ब्राइट का भी क्या होगा डल, ब्राइट का मतलब जिसमें रोशनी बहुत ज़्यादा हो, डल मतलब जिसमें रोशनी बिल्कुल नहीं हो। एक्टिव का क्या होता हुआ, एक तो देख लीजिए, एक तो हो जाएगा इनएक्टिव, दूसरा तो आप पैसिव जानते ही हैं क्या, एक्टिव टू पैसिव। अच्छा बुआ, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड का मतलब तो लीव का मतलब क्या हो गया, होल्ड का क्या हो गया लीव, होल्ड का क्या हो गया लीव। अच्छा तो लीव का क्या हो जाएगा, बात वही हो गई। फास्ट का क्या होता हुआ स्लो, फास्ट का कहाँ है ड्यूल, डल है ड्यूल नहीं, डल का ब्राइट लस्ट्रस इंटेलिजेंट। अच्छा हुआ फास्ट हो गया। इजी का क्या होता हुआ, इजी का तो हार्ड होता है, टफ होता है क्या, हार्ड टफ या डिफिकल्ट, या डिफिकल्ट। अच्छा हुआ कॉम्प्लिकेटेड, यही ना था, तो कॉम्प्लिक, अरे डिस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता रे बुद्धू, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, तो ये क्या हो गया, बस हो गया। कॉम्प्लिकेटेड का क्या होता है ईजी। बउआ केयर का क्या होता है नेगलेक्ट, केयर का क्या होता हुआ नेगलेक्ट। और सक्सेस का क्या होता हुआ फेलुअर, क्या होता हुआ। अच्छा इसका वर्ब कोई बताएगा मेरे को, सक्सीड, इसका तो आप जानते ही हैं फेलुअर का है फेल, क्या हो गया बुआ, हाँ हाँ केयर का नेगलेक्ट, कभी कभी ना अनसक्सेस, अनसक्सेस भी लिख सकते हैं, होता है। फैट का तो बहुत होता है, एक तो हो गया बुआ थीन, क्या हो गया, और दूसरा हो गया लीन, क्या हो गया बुआ लीन, थीन या लीन, लीन मतलब भी होता है दुबला पतला, लीन मतलब क्या होता है दुबला पतला, लिख रहे हो, भरोसा नहीं रहता ना तुम पे, इसलिए। लूज का क्या होता है बुआ टाइट, क्या होता है बुआ टाइट। अच्छा बुआ लॉस का क्या होता है गेन या प्रॉफिट, क्या होता है बुआ गेन या प्रॉफिट, आप इसको पढ़े हुए जगह प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े है कि नहीं, हाँ लॉस का गेन या प्रॉफिट। अब हम लोग को आ जाना है सिनोनिम में, किसमें, सिनोनिम में, सिनोनिम में आ जाना है। कम से कम इतना हो इसके लिखने के बाद आपको एक स्ट्रक्चर बता दे जिसपे आप लगभग 50 सेंटेंस घर से बना करके लाए, ये याद करने के लिए हो जाएगा। बुआ ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, हैंडसम, नहीं बुआ सिनोनिम है, और प्रेटी, क्या बोलेंगे बुआ प्रेटी, हैंडसम या प्रेटी, हैंडसम या इसको बोल सकते हैं विनसम, क्या बोल सकते हैं बुआ विनसम, या इसको बोल सकते हैं चार्मिंग, क्या बोल सकते हैं बुआ चार्मिंग, या इसको बोल सकते हैं लवली, क्या बोल सकते हैं बुआ लवली, लिख लीजिए जो मन करे सो। देखिए बुआ लविंग में और लवली में बहुत फर्क है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, देखिए दोनों के दोनों एडजेक्टिव ही हैं, दोनों के दोनों क्या है, लेकिन दोनों के अंतर में क्या है, बहुत अंतर है, दोनों के अंतर में बहुत अंतर है। ये लविंग का मतलब होता है प्यारा वाला, ये क्या है बुआ, ये है सुंदर वाला, क्या है बुआ सुंदर, समझ में आ रही है ना, हाँ ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि, देखिए लिख देते हैं यू आर, अच्छा क्या था क्वेश्चन ना, अच्छा अच्छा ही हैज, ऐसा था ना, ही हैज अ लविंग फेस और लवली फेस, लवली फेस, यहाँ पे बुआ लवली ही लिखेंगे, ठीक है, लवली आनंद नहीं लिखेंगे, ओके। बुआ लीव का बताना है, तो लीव का क्या होता है बताइए, अबैंडन, क्या होता है बुआ अबैंडन, छोड़ना, गिव अप लिख दीजिए सबसे बेहतर है, क्या लिख दीजिए गिव अप, जैसे कि क्या नाम है बुआ आपका, अपूर्वा आदित्य, अपूर्वा आदित्य सीधे बिना किसी चीज़ को जाने गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, कि भाई वर्ड लिखने से समस्या बढ़ेगी, इसलिए वो गिव अप कर देगा, क्या करेगा गिव अप। देखिए बुआ डियर का मतलब होता है महंगा, तो महंगा का क्या हो जाता है कॉस्टली, और लेजी का तो जानते ही हैं बुआ डल होता है, क्या होता है डल, भोदू कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं बोधू, हाँ हिंदी में इसको बोधू लिखते हैं,
हैवी का मतलब होता है भारी, भारी का क्या हो जाएगा बुआ, भारी का क्या हो जाएगा ट्रबलसम, क्या लिखते हैं बुआ, टी आर ओ यू बी एल ई एस ओ एम ई, ट्रबल जानते हैं ना, ट्रबल में सम जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ट्रबलसम, ट्रबल में सम जोड़ेंगे तो ट्रबलसम। लेबर का बुआ एक तो हो जाता है पेन, क्या होता है बुआ, लेबर मतलब मेहनत, पेन का मतलब मेहनत भी होता है और पेन का मतलब दर्द भी होता है, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही दर्द होता है, सोने वाले को कहीं कोई दर्द नहीं होता। चलिए टफ का बुआ जानते ही हैं, हार्ड, टफ का क्या होता है, हार्म का होता है बुआ हार्ट, हार्म का क्या होता है हार्ट, हार्म का क्या होता है बुआ हार्ट। यूजफुल का बुआ, यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, क्या होता है, तो यूजफुल को आप लिख सकते हैं एडवांटेजियस, क्या लिख सकते हैं एडवांटेजियस। अच्छा बुआ जेनरस का क्या होता है, जेनरस का मतलब जो हमेशा दूसरे की मदद करता है, तो उसको बोलते हैं बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट। माइजरली का बताया हूँ क्या होता है बुआ, इकोनॉमिकल, सिनोनिम लिखे थे फिर बाद में मिटाए हैं ना, इकोनॉमिकल या एक मिनट बताता हूँ, या बुआ इसको लिख सकते हैं क्लोज फिस्टेड, क्या लिख सकते हैं बुआ, क्लोज मतलब जानते हैं, क्लोज का मतलब क्या होते हैं बंद, क्लोज का मतलब, अब फिस्ट मतलब मुट्ठी, वह जो किसी को देने के लिए अपना कभी मुट्ठी नहीं खोलता है तो उसको बोलते हैं क्लोज फिस्टेड, कंजूस आदमी है, कोई आया कि भाई साहब दीजिए कुछ तो बैठ गया करा, मुट्ठी दोनों बंद है, जिसका मुट्ठी खुलेगा वही ना कुछ देगा किसी को, तो क्लोज फिस्टेड कहते हैं। जेनरस का मतलब होता है उदार, वन हु हेल्प्स एवरीवन, इसको अल्ट्रुइस्ट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, क्या बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, बेनिवोलेंट। ओके बुआ पार्डन का मतलब बताइए तो, एक पार्डन मतलब, पार्डन मीन्स फॉरगिव, क्या होता है बुआ, पार्डन मीन्स, अब ब्लेम का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है बुआ चार्ज या गिल्टी दोषी, इसका मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, या होता है बुआ ब्लेम, क्या होता है बुआ ब्लेम, जानते हैं कि नहीं, अच्छा ब्लेम हो गया दिया, ये लिख दिया चार्ज, आरोप लगाना, क्या करना हुआ, फिस्ट का पार्डन का फॉरगिव, ब्लेम का चार्ज एंड गिल्टी। ओके अब है हुआ हेल्प, क्या है हुआ हेल्प, हेल्प का क्या होता है बताइए तो, एक दो आप बता दीजिए हेल्प का, हेल्प का बताइए, हेल्प का सिनोनिम बताइए, वर्ड नहीं लिखेंगे लेकिन हेल्प का सिनोनिम याद नहीं, हम वह हेल्प ही हैं, हेल्प है, हेल्प 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 है, एच ई एल पी, हेल्प हेल्प बताइए, हाँ मतलब हो जाएगा, मतलब हम समझ गए तुम्हारा क्या मतलब है, मतलब हम तुम्हारा समझ गए, ठीक है, खाली दोस्त को कहते हो कि फेवर चाहिए लेकिन फेवर मतलब तुमको पता है नहीं होता बुआ, फ्रेंड का क्या होता है बुआ, दोस्त का एक बता दीजिए सिनोनिम, चलो दोस्त का एक बता दो तुम जानने तुम्हारी बात, वो तो सिनोनिम हो गया, फोई नीचे लिखा हुआ है, हाँ वाह बहुत अच्छा, मेट एम ए टी, और बता सकते हैं, देखिए पाल, क्या हुआ बुआ पाल, वर्ड क्या हुआ, श्री कृष्ण जी को क्या कहते थे गोपाल, श्री कृष्ण जी को क्या कहते थे गो, का मतलब क्या हो गया बुआ गाय, अपाल मतलब गो का मतलब गाय, अपाल का मतलब दोस्त, जो गाय का दोस्त उसको कहते हैं गोपाल, गाय का दोस्त, जो हो गाय का दोस्त उसको हम क्या बोलते हैं गोपाल, तो पाल का मतलब क्या हो गया फ्रेंड, पाल मीन्स क्या हो गया फ्रेंड, यहीं से निकला हुआ है वो वर्ड। ओके तो संस्कृत से डिराइव है ना, संस्कृत वर्ड है वो कौन सी वर्ड है, वो संस्कृत वर्ड है, वहाँ से डिराइव है, वो संस्कृत वर्ड से वो डिराइव है। ओके ओके फो का बताइए हुआ एनिमी, कोई हमको एनिमी का नाउन बना के बता देगा, एनिमी का नाउन बता दीजिए, एनिमिटी, क्या बोलते हुआ एन
मिटी। एनिमी का नाउन होता है एनिमिटी, आप देख सकते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन है कि नहीं। एनिमिटी, हाँ एनिमिटी पढ़िएगा तो फिर गलती हो जाएगा। एनमिटी, एन मिटी, एन मिटी, एन मिटी, इसको पढ़िए भले। एनिमी, 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 उसमें ई का साउंड है, इसमें ई हट गई तो हो गया एनमिटी। क्या हो गई? एनमिटी। प्रे का बताइए, चलिए प्रार्थना करते हैं ना, ठीक है चलिए। और बताइए प्रे का होता है इम्प्लोर, क्या होता है? अब आपको अगर मन करे तो आप रिक्वेस्ट लिख लीजिए। कैच कब हुआ होता है? होल्ड, क्या होता हुआ? पकड़ना। कैच में क्या होता हुआ? पकड़ना। हम लोग कभी कभी गेंद को पकड़ते हैं और कभी कभी छोड़ देते हैं। रिव्यू का मतलब क्या होता हुआ? चाइल्ड, डांटना। रिव्यू मीन्स चाइल्ड, रिव्यू मीन्स, हाँ रिव्यू का मतलब हो गया डांटना, चाइल्ड मीन्स हो गया डांटना, डांटना या पटकार लगाना। रिमेंबर का क्या होता हुआ? रिमेंबर का सिनोनिम लिखना है ना बुआ, रिमेंबर याद करने का बताइए। रिमाइंड, लर्न भी लिख सकते हैं आप, रिमाइंड लिख सकते हो। एबल टू का होता हुआ कैपेबल ऑफ, क्या होता हुआ? कैपेबल, एबल के साथ लगती है टू, कैपेबल के साथ लगती है ऑफ। एक नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, एक नॉलेज मीन्स, तो ये हो गई बुआ एक्सेप्ट। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, तो किसी को हम डिनाई कर देंगे क्या? फॉरबिड का मतलब किसी को क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। क्या कर दिया हुआ? डिनाई कर दिया। अंडरस्टैंड का मतलब होता है जानना, तो नो मीन्स क्या हो गई? जानना। सो का मतलब होता है हुआ, सो का बहुत सारा मतलब होता है, एक तो हो गया इंट्रोड्यूस, क्या हो गया हुआ? इंट्रोड्यूस। एक हो गया हुआ रिप्रेजेंट एटसेट्रा, ओके। और अब हुआ इनिशिएट, क्या हुआ? इनिशिएट मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना? बिगिन करना। क्या करना हुआ? इनिशिएट का हो गया बिगिन, और क्लोज का हो गया एंड, क्लोज का हो गया एंड। वर्ड आज इतना ही पर रहेगी, अब एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, एक ही स्ट्रक्चर है, अधिक से अधिक वर्ड को आपको यूज करना है। पहले इसको कंप्लीट करें, डन? ओके, सिंपल स्ट्रक्चर आज बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका? हाँ स्ट्रक्चर बताएंगे, उससे लगभग हम आपको मोर देन 50 क्या बता देंगे आपको? सेंटेंसेस बना देंगे, ओके। आइए देखते हैं, सेंटेंस फ्रेम करना नहीं सीखे कितने बच्चे, जैसे कि अगर जो वो लिखना था, क्या था हुआ? माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्या था? माय फेवरेट, टॉपिक का नाम था माय फेवरेट सब्जेक्ट, था ना? लेकिन एक ही दो बच्चे हैं जो 100 से 120 वर्ड से पहुँचे हैं, कोई 20-30 वर्ड में कंप्लीट कर दिया, और कोई इसी में लिख रहा था कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, मैथ्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, मैथ इज अ लविंग सब्जेक्ट, वी डू सम व्हाट मैथ्स 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 मैथ्स, हर लाइने में मैथ्स था उसका, उसका क्या था? हर लाइने में मैथ्स था। उसको हर लाइन में ही मैथ्स ही दिख रही थी, क्या दिख रही थी? मैथ्स। चलिए बुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, उम्मीद है पता है, बताइए। सब्जेक्ट प्लस बी1 या बी2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सही बोले बुआ, सब्जेक्ट प्लस बी1 ऑब्लिक बी5 प्लस अदर वर्ड, ओके। समझेंगे बुआ, हम लोग ना आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, और इसके साथ हम लोग, इसके साथ हम भी वन का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? ही सी इट के साथ हम लोग V5 का यूज करेंगे, या कोई भी अकेला नाम हो, कोई भी सिंगल पर्सन हो, थिंग हो, तो उसके लिए आप किस क्या यूज करेंगे? V5 का यूज करेंगे, क्लियर है? तो अब हम इस पे से सब्जेक्ट लिखते हैं, एक वर्ड के साथ लिखते हैं, और आपको बनाना है। अब इससे एक चीज़ है, आपका वर्ब का रिवीजन हो जाएगा, क्या होगा बुआ? वर्ब का रिवीजन हो जाएगा। अब उसका एक हिंदी बता देता हूँ, बाद में आपको बता दीजिएगा, थोड़ा सा स्माइल कम करें, ठीक, वरना चेहरे पे फ्राउन भी आ जाएगी, समझ में आ रही है? रोना, एक दो बात कहेंगे हो सकता है तो मंकी जैसा तो बनिया जाएगा ना, फिर तो फ्राउन ना लगेगा। अच्छा चलिए देखते हैं,
वह एक सब्जेक्ट के रूप में हम ले लेते हैं आई को, किसको ले लेते हैं आई को, ओके आई, और आई के साथ हम यूज करेंगे प्ले, क्या यूज करेंगे प्ले, आई के साथ क्या यूज करेंगे प्ले, कोई बंद कर दिया था आई का मतलब हो गया मैं, प्ले का मतलब है खेलता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया बुआ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। अब ये बुआ ये वर्ड जो है आप किसके साथ यूज कर सकते हैं, वी यू एम दे के साथ कर सकते हैं ना, आई हो गई। अच्छा बुआ अगर रहेगा आई वर्क, तब आई वर्क मतलब मैं काम करता हूँ, ओके आई सिंग मतलब, अच्छा आई डांस का मतलब, ओके आई राइट का मतलब, वेरी गुड आई लिसन का मतलब, ओके आई एब्यूज का मतलब, आई बीट का मतलब, आई बीट का मतलब, आई लेबर का मतलब, ठीक है आई लाई का मतलब, लाई लाई मैं झूठ बोलता हूँ, आई लाइक का मतलब, आई वॉन्ट का मतलब, मैं चाहता हूँ, ओके नेक्स्ट आई गिव मतलब मैं छोड़ता हूँ, आई कम का मतलब मैं आता हूँ, आई गो का मतलब जाता हूँ। ये सारे सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं, तो जब हम अगर अब यूज करेंगे तो इससे कितने सेंटेंस बनेगा, मल्टीपल सेंटेंस बनेंगे, कितने मल्टीपल सेंटेंस बनेंगे, तो इसलिए स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है, इससे बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। अच्छा अब हम लोग ना ही के साथ यूज करते हैं, अब ही के साथ क्या होगा, हम लोग एस एस नया का यूज करेंगे, रिमेनिंग तो सब सेम रहेगा, जैसे बउआ इससे अलग यूज करें, ही कैचेज, ही कैचेज, ही होल्ड्स, ही सिट्स, ही स्टैंड्स, ही रन्स, He rests, he replies, he replies, he questions, he questions, questions मतलब प्रश्न पूछना, ओके हो गई लिखाई, हाँ लिखेंगे तब आप, अब आपको इससे घर से 100 सेंटेंस करके लानी है जी, क्योंकि अब हाँ अपने से जी बुआ जी, नहीं 500 मिनट हिंदी लिखिएगा, कम से कम 2-3 का भी लिख लीजिएगा तो हम जान जाएंगे कि आप आगे सबका पता है कि सब में ताही ती लगे रहे, ओके चलिए अभी जो है आप स्टैंड अप कर दीजिए, क्या नाम है बुआ, आयुष लक्षित, तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, लक्षित कैसे नाम पर गया, चलो बताओ लक्षित स्टैंड अप, लक्षित स्टैंड अप, नाउ यू हैव टू टेल 10 sentences एंड यू हैव नॉट टू यूज एनी ऑफ द वर्ब, ओके इसमें से कोई भी वर्ब यूज नहीं करना, चूज योर ओन सब्जेक्ट, आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, नाउ टेल मी, ओके सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, हम इसको वी कर देता हूँ, ओके वी इट, और बताइए ऑलरेडी डन, पता चलेगा ना कि तुम्हारे पास वोकैबुलरी कितना है या खाली 32 वो दांत है, ओके ठीक है वेरी गुड वेरी गुड, मैं बैठता हूँ, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, मैं सोता हूँ, ओके नेक्स्ट, मैं बड़ा हंसी आ रहा है, ऑलरेडी डन, अच्छा गेट अप, गेट अप, ओके नेक्स्ट, मैं टहलता हूँ, ओके नेक्स्ट, लेट आई विल आल्सो गिव यू चांस टू टेल 10 words, गो इज ऑलरेडी डन, मैं लिखता हूँ, ऑलरेडी डन आई थिंक, राइट डन, ओके नाना का स्पेलिंग बता दो, बात बी ए टी एच, ये बात नाना का मतलब ये सही है, ये वाली तो तुमको ध्यान नहीं था बउआ, ध्यान रखेंगे,
इसमें ई नहीं लगाइएगा ना तो नाउन बन जाएगा, आपको भर बनानी है, इसमें ई लगना जरूरी है, कंपलसरी है। ये एक प्रॉब्लम है जो हमेशा पूछी जाती है, लिखा रहता है कि ही क्या लिखा रहेगा बुआ, ही बात क्या लिख दिया लोग, अच्छा बात है चलो सही है, वो तो पाँचों को अच्छा सिक्स मदद का ओके नेक्स्ट 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 अच्छा सीधा खड़ा नहीं रहोगे तो गिरोगे ही। नेक्स्ट नेक्स्ट दस सेंटेंस बनाने में इसको 10 मिनट लग गए। ओके नेक्स्ट अभी भी एक बाकी है तुम्हारा। उसमें कम आउट होगी और कुछ नहीं होगा, निकलना का कम होगा। ऑलरेडी ऑलरेडी डन, मैं जानता हूं नहीं। ओके सिट डाउन नाउ, हु विल आंसर नेक्स्ट टाइम, हु विल आंसर नेक्स्ट टाइम। ओके स्टैंड अप, व्हाट्स योर गुड नेम? अभिराज। ओके यू हैव टू चूज वन सब्जेक्ट अदर देन आई ही एंड वी, अदर देन आई ही एंड वी कोई और सब्जेक्ट चूज करिए। सी ओके सी ड्रिंक्स, सी ड्रिंक्स नेक्स्ट, सी ड्राइव्स वेरी गुड, वेरी गुड, सी रन्स वेयर ओके नेक्स्ट, there is no need to see already done, see learns very good, not learn learns next, learns done ठीक है सर, अपने टॉपर्स के सर्टिफिकेट आया कल इन लोगों को बांट दिया जाएगा सर, इन लोगों को ऑनलाइन वाले को बाय कर दीजिए, ऑफ कर देंगे, बाय बाय।